मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के बीएसए कॉलेज के पास आज ई रिक्शा चालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के विरोध में रास्ता जाम करते हुए विरोध का प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह से नगर निगम द्वारा पार्किंग के नाम पर ठेकेदारों को गुंडागर्दी करने का परमिट दिया गया है, वो पार्किंग के नाम पर हम ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट और बदसलूकी के साथ सड़कों पर चलते हुए जबरन पर्चियां काट रहे हैं और ना ही हमारे लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई जगह निर्धारित की गई है। पार्किंग के नाम पर ठेकेदार अवैध वसूली कर रहे हैं। हम गरीब रिक्शा वालों को परेशान करते हुए 30 रुपए हर चौक और चौराहे पर जबरन वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर वे काफी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर आज ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया। मथुरा में नगर निगम द्वारा सड़कों पर लगने वाली पार्किंग के टैक्स वसूली को लेकर उठाए गए ठेके और उसके बाद ठेकेदारों द्वारा वाहन चालकों से की जा रही वसूली के विरोध में प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज गोवर्धन चौराहे से सैकड़ों ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालकों ने एकत्र होते हुए जुलूस निकाला, जो कि गोवर्धन चौराहे से शुरू होते हुए कृष्णा नगर, भूतेश्वर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट होते हुए डीएम ऑफिस पहुंचा। जब प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों और रिक्शा चालकों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की जाती है और पुलिस द्वारा उनके ही साथियों को बंद कर दिया जाता है। साथ ही कहा कि अगर हमसे टैक्स लिया जाए तो हमको पार्किंग की व्यवस्था दी जाए। मेरा नाम लोकेश कुमार राय है। ये आज आप किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? नगर निगम के द्वारा गरीब डब्बू वालों, ट्री वालों, रिक्शे वालों से अवैध रूप से कथित वसूली की जा रही है, जिसका कोई प्रकार का टेंडर नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मथुरा जनपद में कोई पार्किंग नहीं है, लेकिन पार्किंग के नाम पर शुल्क लिया जाता है। लेकिन हमारी आपसे मांग है कि अगर पार्किंग के नाम पर आप शुल्क ले रहे तो पुलिस वाले हमको डंडा क्यों मारते हैं, हमारी माँ बहन को गाली क्यों देते हैं, ठेकेदार हमारे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं? और अभी आप देख रहे हैं कि हमारा शांतिपूर्वक जुलूस निकल करके जाता है और चौकी टिकट पर हमारे चार साथियों को बंद कर दिया गया है। हमारा हाथ से निवेदन है कि उनमें मार लगाई जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये जिलाधिकारी एसएसपी से चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी मांग मानी जाए। शर्मा है। ये किस चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है आपके भाई साहब? ये अवैध वसूली के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पार्किंग की जो पर्ची है, रोड पर पर्चियाँ काटी जा रही हैं, अवैध वसूली करी जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, चौराहे चौराहे पे लोग खड़े रहते हैं और कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और ये पार्किंग की पर्ची है, रोड पर चलते हुए वाहनों की पर्ची काटी जा रही है। टीटी टेम्पो वाले गरीब लोग हैं, हम कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और उसके अलावा गुंडागर्दी करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसके लिए हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी की जाए, हमको सही तरीके से अपना काम किया जाए, काम करने की वो दी जाए। चार आदमी ढाले हो जाते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? हमारी मांगे नहीं है, और भाई चार ड्राइवर बोलो, हमारे चार ड्राइवर वाले बंद कर दिए। मथुरा शहर का एकमात्र ऐसा सैलून जहां एक ही छत के नीचे महिलाओं व पुरुषों को वातानुकूलित वातावरण में बॉडी ट्रीटमेंट जैसे कि हेयर कट, मसाज, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप आदि जैसे ट्रीटमेंट वाजिब दामों पर दिए जाते हैं, तो फिर देर किस बात की? कृष्णा नगर के बॉलीवुड स्टाइल यूनिसेक्स सैलून में जरूर पधारें और सेवाओं का लुत्फ़ उठाएं।